जैसे मैंने कहा कि आज का दिन अपने हिंदुस्तान के इतिहास में एक अलग दिन है, सुवर्ण दिन जिसे कहा जा सकता है। और आप सभी को याद होगा कि पिछले 24 नवंबर को मैं अयोध्या गया था और जाते वक्त शिवनेरी यानी कि जहां हमारे देवत शिव छत्रपति महाराज का जन्म हुआ था, वहां की एक मिट्टी मैं वहां लेके गया था। और मेरे मन में एक विश्वास था कि जिस मिट्टी ने चमत्कार को जन्म दिया है वो मिट्टी जरूर चमत्कार दोबारा करेगी। और यकीन हो ना हो, विश्वास भरोसा हो ना हो, पूरा एक साल होने के अंदर नतीजा आप देख रहे हो। और मैं चाहता नहीं, मैं जरूर आने वाले 2-3 दिन में फिर से एक बार शिवनेरी पर जाऊंगा। और कोशिश मेरी ये नहीं रहेगी, कोशिश मतलब मैं तो जाना चाहता हूँ, जाऊंगा भी आने वाले 24 तारीख को, शायद मैं जरूर अयोध्या जाऊंगा। मला असं वाटतं, मी काल पण बोललेलो आहे राजकारणावरती, उद्या पण बोलेन, आजचा दिवस हा आनंदाचा दिवस आहे। क्वचित असे दिवस येत असतात आणि म्हणून मी न्यायदेवतेला वंदन करतो की ते न्यायदेवतेने हा ऐतिहासिक निकाल दिलेला आहे, न्याय दिलेला आहे। याच्यामध्ये मी काल जे बोललो की सरकारचं श्रेय किती असेल नसेलपेक्षा न्यायदेवतेने दिलेला हा न्याय हा खरंच आनंददायी आहे। आणि सरकारवरती राजकारणावरती आपण नेहमी बोलतो, तसं उद्याही बोलू शकतो।